एक्स एन एक सीक्वेंस है एंड इस तरह से डिवाइड किया गया है, एक्स वन इक्वल्स टू रूट टू, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू रूट टू इंटू एक्स एन, एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू वन के लिए बोला गया है। तो एक्स एन जो सीक्वेंस है, एक्स एन सीक्वेंस, ये क्या होगा, मोनोटोनिक होगा एंड कन्वर्जेंट होगा। ऑप्शन बी में बोला गया है मोनोटोनिक एंड डाइवर्जेंट, सी में बोला गया है बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है ऑसिलेट करेगा ये, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका है जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली, जैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा तरीका है फिक्स्ड पॉइंट मेथड, ठीक है। अच्छा, पहले पहला तरीका देखो, एक्स वन इक्वल्स टू दिया गया है रूट टू। अच्छा, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक होगा या नहीं, ओके। अच्छा, एक्स वन दिया गया है रूट टू, तो यहाँ से हमें एक्स टू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एक्स वन के जगह आप सॉरी एन के जगह अगर आप वन रखोगे तो आपको मिल जाएगा वन प्लस वन टू, तो एक्स टू इक्वल्स टू रूट अंडर टू इंटू एक्स वन, ओके। अच्छा, एक्स वन क्या है, रूट टू, ठीक है, एक्स वन इक्वल्स रूट टू, तो एक्स टू इक्वल टू आ रहा है रूट अंडर टू इंटू रूट टू। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू है टू टू द पावर हाफ, एंड यहाँ पे होगा क्या, रूट रूट टू का रूट मीन्स टू टू द पावर हाफ होल टू द पावर हाफ, ठीक है ना, ओके। तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ से हमें एक्स टू इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, एक्स टू इक्वल्स टू 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 द पावर हाफ इंटू टू टू द पावर हाफ इंटू हाफ हो जाएगा वन बाई फोर, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है टू टू द पावर हाफ प्लस वन बाई फोर, ओके। अच्छा, तो देखो मोनोटोनिक देखने के लिए इतना करने का ज़रूरत नहीं, बस इतना ही चलेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x2 का जो वैल्यू है वो रूट टू से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, देखो कैसे कह सकते हैं, रूट टू इज ग्रेटर देन फ्रॉम वन, तो दिस इंप्लाइज टू इंटू रूट टू इज ग्रेटर, बोथ साइड पे टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू रूट टू इज ग्रेटर देन फ्रॉम टू, दिस इंप्लाइज, अब आप बोथ साइड पे रूट यूज करो, तो टू इंटू रूट अंडर टू इंटू रूट टू इज ग्रेटर देन फ्रॉम रूट टू। अब ये क्या है, ये है एक्स टू एंड ये क्या है, ये है एक्स वन, तो इसका मतलब एक्स टू इज ग्रेटर देन फ्रॉम एक्स वन, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिक होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब सिमिलरली एक्स थ्री भी चेक कर सकते हो, यहाँ से आपको एक्स थ्री जो है वो ग्रेटर देन फ्रॉम एक्स टू मिलेगा एंड एक्स टू इज ग्रेटर देन फ्रॉम एक्स वन, अब तो ये मोनोटोनिक है, ओके। अच्छा, अब ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा वो देखते हैं। देखो एक्स टू हमें क्या मिला है, टू टू द पावर हाफ प्लस वन बाई फोर। अच्छा, सिमिलरली अब अगर आप एक्स थ्री को देखोगे तो आपको एक्स थ्री भी मिलेगा टू टू द पावर हाफ प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, दिस इक्वल्स टू है टू टू द पावर हाफ प्लस वन बाई फोर मीन्स टू स्क्वायर प्लस वन बाई एट मीन्स टू क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से आपको एक्स फोर जो है वो मिलेगा टू टू द पावर हाफ प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई टू क्यूब प्लस वन बाई टू टू द पावर फोर, ठीक है, ओके। अच्छा, तो आपको एक्स एन क्या मिलेगा, देखो एक्स एन इक्वल्स टू आपको मिलेगा टू टू द पावर हाफ प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई टू क्यूब प्लस अप टू वन बाई टू टू द पावर एन होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो ये क्या है, ये एक जीपी सीरीज है, तो इस सीरीज का हम सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है हाफ, तो हाफ इंटू, देखो अगर ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर स्क्वायर प्लस ए इंटू, अच्छा सॉरी ए इंटू नहीं, ए नहीं, आर क्यूब प्लस अप टू आर टू द पावर एन, ये एक जीपी सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है, आर, तो आर इंटू
क्या होगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मीन्स आर स्क्वायर को आप r से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा r, r क्यूब को r से r स्क्वायर से डिवाइड करो आपको मिलेगा r, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है r, तो r टू दी पावर होगा यहाँ पे टोटल कितने टर्म है n, तो होल टू दी पावर n माइनस वन बाई होगा r माइनस वन, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है हाफ, तो हाफ टू दी पावर n माइनस वन बाई हाफ माइनस वन, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर हाफ इंटू यहाँ से आपको क्या मिलेगा हाफ माइनस वन मीन्स माइनस हाफ, तो ये हाफ हाफ कैंसिल। अब यहाँ से आप माइनस को माइनस वन को आप कॉमन ले सकते हो तो होगा वन माइनस वन बाई टू टू द पावर एन, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है 2 टू द पावर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू टू द पावर एन, ओके। अच्छा अब देखो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब एक्स एन इक्वल्स टू क्या होगा, जो लिमिट जब n टेंस टू सॉरी x नहीं n टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन इक्वल्स टू क्या होगा 2 टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी में 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है एक्स एन वो कन्वर्जेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया था मोनोटोनिक एंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट नहीं मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है नॉट कन्वर्जेंट, नहीं कन्वर्जेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है ऑसलेट करेगा, ये नहीं कन्वर्जेंट करेगा, तो ये ऑसलेट नहीं करेगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। अच्छा तो आप देखते हैं दूसरा मेथड फिक्स्ड पॉइंट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले फिक्स्ड पॉइंट मेथड होता क्या है वो देख लेते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट मेथड होता क्या है, ठीक है। मान अगर मान लो फाई फाई एक्स कोई भी फाई एक्स एक फाई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये फंक्शन कुछ इस तरह सा है कि एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू फाई एक्स, अब एक्स एन क्या है, xn एक रियल सीक्वेंस है, ठीक है। फाई फाई एक्स एक डिफरेंशियबल फंक्शन है सच दैट एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू अगर फाई एक्स एन है, ठीक है, तो अगर अगर फाई एक्स एन का अगर डेरिवेटिव करोगे फाई डैश एक्स एन, मतलब फाई एक्स एन को अगर आप डेरिवेटिव करोगे एक्स एन के रेस्पेक्ट में, तो ये अगर लेस देन वन आता है तब यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो एक्स एन जो सीक्वेंस होगा दिस इम्प्लाइज ये जो सीक्वेंस है एक्स एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब ये एक्स एन क्या है, एक्स एन यहाँ पे बिलोंग करेगा फॉर ऑल एक्स एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एक्स वन माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स वन प्लस एप्सिलॉन। एक्स वन क्या है, इस एक्स एन सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है एक्स वन। अच्छा अगर मान लो कि ये मोड ऑफ फाई डैश एक्स एन ये अगर ग्रेटर देन वन आ रहा है तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एक्स एन सीक्वेंस एक्स एन इज ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। अच्छा ये फिक्स पॉइंट मेथड से अब इस प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू क्या था फाई एक्स एन, ठीक है, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू फाइव एक्स एन। अब एक्स एन प्लस वन क्या दिया गया है हमें, हमें दिया गया है रूट अंडर टू इंटू एक्स एन इक्वल्स टू है फाइव एक्स एन। अच्छा तो इसे अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको फाइव डैश एक्स एन के रेस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको फाइव डैश एक्स एन ये क्या मिलेगा रूट टू इंटू एक्स एन टू द पावर हाफ, एक्स एन टू द पावर हाफ है तो पावर आगे आएगा हाफ इंटू एक्स एन टू द पावर हाफ माइनस वन मीन्स माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे दिस इक्वल्स टू इसे रूट टू है, टू है कैंसिल करोगे तो यहाँ पे होगा रूट टू एंड ये क्या है एक्स एन टू द पावर माइनस हाफ है तो इसका मतलब वन बाई रूट एक्स एन हो जाएगा तो ये होगा। अच्छा अब क्या ये ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, देखो ये ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा,
देखो यहाँ से हमें क्या मिला है, एक्शन क्या है, ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब एक्स वन जो है वो लेस देन होगा एक्शन से, ओके। अच्छा तो दिस इंप्लाइज एक्स वन क्या है, एक्स वन हमें दिया गया है रूट टू, तो रूट टू लेस देन फ्रॉम एक्शन, तो दिस इंप्लाइज अब इसे आप पलट दो तो आपको मिलेगा वन बाई रूट टू इज ग्रेटर देन फ्रॉम वन बाई एक्शन, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पे आप एक काम करो, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बोथ साइड पे टू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, टू नहीं सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा वन बाई एक्सएन है, एक्सएन इज लेस देन फ्रॉम वन बाई रूट टू, अब टू से हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आप बोथ साइड पे रूट ऐड करो, ठीक है, रूट हमने ऐड किया, अब ये देखो वन बाई टू इंटू रूट टू, देखो रूट अंडर टू इंटू रूट टू इज ग्रेटर देन फ्रॉम वन, तो वन बाई दिस इज लेस देन फ्रॉम वन, तो इसका मतलब ये जो है वो लेस देन फ्रॉम वन होगा, तो फाइव डैश एक्सएन, फाइव डैश एक्सएन मॉड फाइव डैश एक्सएन क्या होगा, लेस देन फ्रॉम वन, ओके। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो फाइव सॉरी एक्सएन जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है।